आपने हमको कृपा करके कथा के लिए आग्रह किया है। मैं समझता हूँ मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, आप लोग भी बड़े श्रद्धा से प्रेम से कथा सुनते हैं। यू आर हियरिंग मी विद ए ग्रेट रेवरेंस, डिवोशन, लव, फेथ, एवरीथिंग यू हैव इन योर हार्ट कथा के लिए, राम जी के लिए, प्रेम भक्तों के लिए, संतों के लिए। इसमें हम आपको एक बात बताएं, ज्योतिष शास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं और उनमें एक ग्रंथ मिलता है जो फीजी वाले बहुत विश्वास करते हैं, उस ग्रंथ का नाम है लाल किताब। लाल किताब एक ज्योतिष का ग्रंथ होता है, वो सिंपल है, हिंदी में होता है। इंडिया में पंजाब वाले बहुत विश्वास करते हैं लाल किताब के ऊपर। तो मैंने एक लाल किताब के बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति से पूछा कि आप हमें कुछ ज्योतिष के बारे में बताओ, ज्योतिष के बारे में बताओ तो हम थोड़ा कथा में लोगों को बताएं। कई बार सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है, ये हमारे लिए बड़े दुख देने वाले हो जाते हैं और हम लोग उनकी नवग्रह की पूजा कराते हैं। लोग कहते हैं महाराज ग्रह उतार दो, हमारे घर में हवन कर दो, ग्रह की पूजा कर दो, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके लिए हियर आई एम टेलिंग यू सम सोशल रेमेडीज। हम लोग गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं क्योंकि सबके भीतर सीता राम रहते हैं। लेकिन इसमें भी सबको प्रणाम तो कर लेते हैं, लेकिन हमारा पत्नी के साथ दूसरा व्यवहार होता है, बेटी के साथ दूसरा व्यवहार होता है, भाई के साथ दूसरा व्यवहार होता है, अच्छा मित्र के साथ दूसरा व्यवहार होता है, शत्रु के साथ आप शत्रु से लड़ते नहीं है लेकिन फिर भी उससे ज्यादा प्रेम भी नहीं रखते, उससे दूर हटने की सोचते हैं, जो कोई दुश्मनी रखे आप तो नहीं रखते। सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, सबको प्रणाम करना बहुत अच्छी बात है, सबको प्रणाम कर लिया जाए। तो इसमें अब देखो, सूर्य नारायण कभी कभी हमारी लग्न कुंडली होती है, जन्म कुंडली होती है, उसमें सूर्य कहते हैं आपके सूर्य उच्च के हैं। जब किसी के सूर्य उच्च के होते हैं तो वो आदमी बड़ा तेजस्वी होता है, वो आदमी कहीं जाता है तो सम्मान मिलता है, बड़ा उसको आदर मिलता है, उसका बड़ा तेज होता है, उसकी बड़ी शक्ति होती है उसमें बहुत। और कभी सूर्य नीच के हो जाते हैं, बोले आपके सूर्य नीच घर में बैठे हुए हैं, तो फिर हम क्या करें? वो हम ज्यादा ज्योतिष की बहुत बड़ी बात आपको नहीं कहते। गोस्वामी जी महाराज रामायण में तो कहते हैं सबके भीतर राम है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि आपके सूर्य नीच के हों, सूर्य आपकी कुंडली में आपका लाभ नहीं करते हों, सूर्य सूर्य ग्रह जो है वो थोड़े से तेज ग्रह है, और कई बार सूर्य को सूर्य का तेज हम सहन नहीं कर सकते हैं। कई बार हम इसलिए कभी कभी जब बादल हो जाते हैं और सूरज निकलते हैं तो हम लोग रंगीन चश्मा लगा कर निकलते हैं, या फिर वो जो चश्मा एक एक होता है जो अपने आप ही रंगीन हो जाता है, मुझे भी किसी ने बनवा कर दिया हिंदुस्तान में, तो मैं भी मेरे पास भी है, आप लोग वो चश्मा लगाते हैं तो वो क्योंकि सूर्य की लाइट को अचानक बादलों से निकलता है वो लाइट हमारे आंखों पर पड़ती है वो हानि कर सकती है, तो सूर्य का हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन सूर्य भगवान वो, और मंत्र भी है सूर्य का और बहुत सारे जप हैं, सवेरे सवेरे एक महात्मा तो कहते हैं अगर सूर्य ठीक नहीं हो तो सूर्य का आदर करो। सूर्य का आदर कैसे करोगे? तो सूर्य का आदर करोगे कि जब सूरज निकले तो थोड़ा सा जग जाओ, सो मत, क्योंकि ये प्रीत करण की रीत नहीं, रवि जागत है तू सोवत है। सूर्य भगवान निकलते हैं, अगर सूर्य खराब हो तो सूर्य खराब होके क्या करते हैं? बीमारी करते हैं, सूर्य खराब हो तो स्वास्थ्य बिगाड़ते हैं। तो क्या करो, सूरज से पहले उठ जाओ और पहले उठ करके सूर्य भगवान को एक लोटा जल दे दो,
सूर्य भगवान ये जल हम आपको देते हैं, आप थोड़ा शीतलता देना हमको। सूर्य भगवान को जल नहीं दे रहे हैं, हम अपने लिए जल दे रहे हैं। हम दीपक भगवान को नहीं दिखा रहे हैं। अंधेरा भगवान के हृदय में थोड़ी है, अंधेरा हमारे मन में है। तो हम अपने मन को उजाला करने के लिए दीपक लेके भगवान को आरती करते हैं। तो ये भी एक तरीका है। एक और तरीका है सोशल रेमेडीज, आप जरा ध्यान से सुनना। ये आप अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। आपको याद ना रहे तो प्रीति जी बड़ी समझदार हैं, ये आज रिकॉर्ड कर रही हैं, इसको यूट्यूब में डाल देंगे, आज की तारीख डाल के सुन लेना। आपको याद नहीं रहे, कोई भूल जाए करें तो सुन सकते हैं आराम से घर में बैठकर। कई लोग सुनते रहते हैं भारतवर्ष में, तो इसलिए कई लोग अमेरिका में सुनते रहते हैं हमारा, हम जो प्रवचन करते हैं इसलिए इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो क्या है, आपको अगर सूर्य खराब हो कभी, तो सूर्य सूर्य के स्थान पर हम, सूर्य क्या है, सारे संसार के राजा है, सूरज चमक रहे हैं, जैसे राजा चमकता है ना, एशिया का वो हमारे अमेरिका का राजा वो चमकता है, अपनी चमक दमक दिखाता है, आप सब उसको सब लोग मानते हैं। कनाडा का जो राजा है, कनाडा का जो मंत्री है, प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, सब जगह सब लोगों का तेज होता है। तो कहते हैं अगर सूरज खराब हो, सूरज नीचे स्थान में हो, तो क्या करो, राजा का सम्मान करो। राजा का सम्मान, अगर ऐसे तो सूर्य का सम्मान करो। राजा का सम्मान क्या होता है कि राजा को समय से बिजली का टैक्स और बिल, पानी का बिल, बिजली का बिल, रेवेन्यू टैक्स और जो भी आपका जो राजा का जो बनता है वो समय पर पे कर दो, उससे सूर्य की दोष शांत होता है। ईमानदारी से सरकार की सहायता करो, और क्या करो, सूरज खराब हो, सूरज नीचे स्थान में हो, सूरज रोग, हमें बीमारी हो रही है, तो बीमारी का कई बार सूर्य नीचे के स्थान में होते तो हमें शरीर स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, आंखों में खराबी हो जाती है। तो सूरज को जल देना चाहिए, सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए, और राजा को, या राजा कौन माने, कोई जो भारतवर्ष, जो हमारे कैनेडा का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, ब्रिटिश कोलंबिया का कोई अधिकारी है, उसकी भी उसकी सहायता करना चाहिए। उसकी सहायता, अगर वो कुछ सहायता हम कर सकते हो तो करें, और नहीं तो ये बड़ी सहायता है उसका आदर करें, और उसके नियम, ब्रिटिश कोलंबिया के अधिकारी पुलिस के नियमों का उल्लंघन ना करें, गाड़ी ठीक से चलाएं, स्पीड जहां लिखी उसी स्पीड में चलाएं, जैसे जैसे, तो इससे सूर्य ग्रह शांत होता है और राजा का सम्मान, राजकीय पद पर जो पोस्ट पर बैठे उनका सम्मान करें, क्योंकि हम उनसे विरोध नहीं कर सकते, सरकारी कर्मचारियों से विरोध थोड़ी हो सकता है, जो भी है वो उनका सम्मान करें, तो सूर्य ग्रहण, सूर्य दोष शांत होता है। और बताया, पिता का सम्मान करें, अगर सूरज नीचा है तो पिताजी को सवेरे उठकर उनके पैर दबाएं, खाली पैर दबाने से नहीं होता, उनको अगर पानी की जरूरत है तो पानी ले जाकर दें, पिताजी पानी मांगेंगे तो टेलीफोन करेंगे तब पानी लेके जाएंगे पिताजी पानी मांगे कि नहीं मांगे, अगर हमें अपने मन से सोचना है कि पिताजी ने भोजन किया था, 1.5 घंटा हो गया, पिताजी को प्यास लग रही होगी, आज भोजन में करेला बना था तो करेला खा ले, अगर पिताजी से सब तो प्यास ज्यादा लगती है ना, ऐसा सोचेंगे हम अपने मन में कि करेला खाया तो 1 घंटे में जल्दी से पानी लेके, पिताजी आपने पानी पिया, कई बार पिताजी भूल जाते हैं, उनकी उम्र हो गई है, भूल जाते हैं, तो हम पानी लेके जाए, पिताजी आपको प्यास लगी है, वो एकदम खुश हो जाते हैं कि वाह तुझे कैसे पता चल गया, बोले मुझे मालूम था आपने आज करेला खाया था इसलिए आपको प्यास लगी। ये तो सोच के सेवा ऐसे थोड़ी होती है, अरे तुम मेरी सेवा करो, वो सेवा करो, तो थोड़ी सेवा होती है। तो पिताजी अगर पानी पी करके खुश होंगे तो सूर्य की ग्रह शांत हो जाएगा, ये ज्योतिष में लिखा है, आपको आश्चर्य होगा। ये सोशल रेमेडीज, सूर्य का दोष मिटाना हो पिताजी, अगर किसी को कहीं बार भगवान करे सबके पिता बैठे रहे, लेकिन क्या होता है जब हम 100 साल के हो जाते हैं तो पिताजी कहाँ हो रहे, चले जाते हैं, हम ही 100 साल के हो गए तो हमारे पिताजी तो चले जाएंगे, कई बार ऐसा होता है पिताजी थोड़ा जल्दी चले जाते हैं। तो पिताजी नहीं है तो कोई चिंता नहीं, पिताजी के भाई होंगे, पिताजी के भाई भी नहीं है, पिताजी के मामा के लड़के होंगे, कोई और भी हो, चाचा जी होंगे, वो
वो भी नहीं होंगे तो पिताजी की उम्र के कोई व्यक्ति होंगे, ऐसे जो व्यक्ति उनका सेवा करे, उनका सूर्य ग्रह सूर्य का दोष शांत हो जाता है। ये सोशल रेमेडी है, इसमें कहीं पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये हम कर दें तो सूर्य का दोष शांत हो जाता। चंद्रमा, चंद्रमा का दोष है, चंद्रमा नीचे के पड़ गए हैं, चंद्रमा भी जब कभी नीचे हो जाते हैं तो हमारे मन में हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, अनेक बीमारियां हो जाती हैं चंद्रमा से। चंद्रमा के नीचे के चंद्रमा होने से हमें कोई अच्छी पोस्ट हाथ से निकल जाती है, हमारा बगल वाला ले लेता है, हम रह जाते हैं, ये भी परेशान। चंद्रमा से ज्योतिष में आप पढ़ते हैं, तो चंद्रमा यदि ठीक नहीं है तो सीधे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मम्मी को ध्यान रखो, मम्मी माता जी की सेवा करो, माता जी की सेवा करने से चंद्रमा का नवग्रह की बता रहा हूं, नवग्रह के दोष को मिटाने के लिए सोशल रेमेडीज, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र ने इसको स्वीकार किया। यदि चंद्रमा हमारा खराब है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी माता जी बैठी हैं, माँ का ध्यान रखो, 24 घंटे माँ का ध्यान रखो। माँ सोई है, सोते समय माँ को कुछ जरूरत तो नहीं है, माँ कहाँ बैठी है उसको जो 4 बार फोन कर लो, टेलीफोन करके, माँ ठीक हो। अगर माँ को हमने प्रसन्न किया तो चंद्रमा का दोष, चंद्रमा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब ये तो बहुत, ये तो थोड़ा सा हमने, तुलसीदास जी ने तो कहा कि भगवान राम जी की सेवा हो, राम जी की कृपा आपके ऊपर हो तो सूर्य चंद्रमा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन वो तो थोड़ी सी दूर की बात है, राम जी की भक्ति हमारे में आ जाए। लेकिन ये भी रास्ता कोई खराब रास्ता नहीं है कि माता जी का ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि माता जी के शरीर में वही ठाकुर जी वही राम जी बैठे हुए माता जी का भोजन पचा रहे हैं, और माता जी को हम गरम गरम रोटी बना के खिलाएं अपने हाथ से। ठीक है, हमारे लिए पत्नी बना देती है कोई बात नहीं, माँ के लिए हम बनाएंगे, अपने आप बनाएंगे, और माँ के लिए जितनी मिर्च चाहिए, जितना नमक चाहिए, माता जी कैसा खाती हैं, कौन सी सब्जी खाती हैं, यानी माँ ये बनाए खा ले, खाना खा ले, नहीं खाते प्रॉब्लम है, थोड़ी कहना होता है। माता जी को जो भी बनाना, जो उनके पसंद की चॉइस की चीज बनानी, इससे क्या होगा, इससे चंद्रमा शांत हो जाएगा। चंद्रमा यदि खराब हो, हमारे माता जी तो हमारे यहाँ रहती नहीं है, वो तो हमसे नाराज रहती हैं, दूर रहती हैं, या तो फिर और तो कोई ऑप्शन नहीं है, माता जी हैं तो माता जी की ही सेवा करना, नाराज रहती है तो उनको प्रसन्न करना पड़ेगा, भगवान ना करे ऐसा किसी के माता जी नहीं है। तो पत्नी की माता जी हैं सासू माँ, सासू माँ की सेवा करने से भी चंद्रमा ठीक होते हैं। सासू माँ भी नहीं है किसी को, हम बड़े हो गए, उम्र हो गई 85 साल के हो गए, सासू माँ भी कहाँ है, माता जी भी नहीं। हम चंद्रमा को ठीक करना, चंद्रमा की ग्रह है, तो चंद्रमा की ग्रह शांत करनी है तो क्या करें, कोई भी माँ की जैसी उम्र की कोई बड़ी औरत महिला हो, कोई भी महिला हो, उनको हम अपनी माँ समझ करके, हमें जरूरत है हमारे पड़ोस में माता जी रहती हैं, और अगर हमारी माँ होती तो हम उनके साथ जो व्यवहार करते तो वो ही हम इनके साथ भी करें, हमारी माँ होती तो हम उनको रोटी बना खिलाते, उनकी सेवा करते, उनको कहीं जाना होता राइड दे देते, तो इनको हम कर दें थोड़ा बहुत। तो चंद्रमा की ग्रह हमारी किसी वृद्धा स्त्री की सेवा करें, जो कर सकते हो, जितने भगवान ने शक्ति दी है उससे चंद्रमा की ग्रह शांत होता है। देखो तो सूर्य चंद्रमा मंगल की बताएं, अगर मंगल खराब हो वो तो ठीक है, सूर्य राम जी की सेवा से मंगल अपने आप, मंगल भवन मंगल हारी द्रवों से दशरथ अजर बिहारी, भगवान प्रसन्न हो तो मंगल अपने आप ठीक हो जाता है, मंगल ही मंगल है। लेकिन उतनी भक्ति अभी नहीं पड़ी, उतना भजन हमारा अभी नहीं हुआ है, तो ग्रहों को शांत करने के लिए, मंगल को ठीक करने के लिए अपने भाई से प्रेम करो। भाई साहब हो, बड़े भाई साहब हो तो बड़े भाई साहब के लिए उनके जन्मदिन पर बहुत बढ़िया टी शर्ट लेके आओ, बढ़िया पैंट लेके आओ, बढ़िया जूता लेके आओ, उनके लिए उनकी पसंद की कोई चीज लेके आओ। और आपको ताकत भगवान ने दी है तो बड़े भाई के लिए, अभी एक मुझे मिले, एक व्यक्ति मुंबई से यहाँ आ गए, उनका एक छोटा भाई वहां पर मुंबई में रहता है, वो यहाँ पीआर लेके आ गए, और उन्होंने भाई को फोन करते रहते, भाई को कहा भाई मैं गाड़ी ले रहा हूँ, मुझे गाड़ी मिल नहीं रही है, और वो इतने मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे यहाँ खर्चे भी बहुत हैं,
ये की बात वैंकूवर की बात है, अभी दो एक महीने पहले मुझे एक व्यक्ति मिला, तो वहां से उस भाई का बिजनेस बहुत अच्छा है मुंबई में। उसने क्या किया, अपने उसका एक दोस्त रहता है यहाँ वैंकूवर में, उसने अपने दोस्त को, अब भाई छोटे भाई का जन्मदिन था, उसने क्या किया, वो बड़े भाई का जन्मदिन था, छोटा भाई मुंबई रहता है, उसने मुंबई से भाई को अपना उसको कह दिया, एक अपने दोस्त को कह दिया कि तुम मेरे भाई को, और उसने बहुत फर्स्ट क्लास टोयोटा की जो वो गाड़ी होती है जिस जो क्या बोलते हैं उसको, नहीं टोयोटा की जो है कैमरी कैमरी जो होती है जिस जो जो कम पेट्रोल लेती है गैस लेती है, तो कैमरी वो उन्होंने वहां से उसको दी और फिर मेरे पास लेके, महाराज की पूजा कर दो, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया, कितनी अच्छी बात है। या फिर किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा भाई को कार दे दो तो तुम्हारा तुम्हारा जो मंगल तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो मंगल की ग्रह शांत करने के लिए भाई को प्रसन्न करो, भाई से लड़ाई झगड़ा हो तो उसको क्षमा मांग लो जाके, नहीं तो हम क्यों क्षमा मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो मंगल और भी खराब हो जाएगा। तो मंगल दोष को शांत, कितनी बढ़िया बात है, मंगल दोष को शांत करने के लिए भाई को, भाई ना हो तो कई बार भाई नहीं है, भगवान करे ऐसा ना हो, भाई नहीं तो पत्नी के भाई को करो प्रसन्न, पत्नी का भाई भी कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, कोई कारण हो, या हम बड़े उम्र हो जाती है हमारी पत्नी का भाई भी नहीं, तो नहीं है तो फिर अपने फ्रेंड को, कोई कोई अच्छा मित्र हो आपका, जो आपका जिग भी बहुत बचपन से 50 साल हो गए, वो दोस्ती है बहुत बढ़िया दोस्ती, अच्छा सज्जन व्यक्ति है, दोस्त की सेवा करो, ये मंगल ग्रह ठीक हो जाता है। बुध के लिए, बुध प्रेम का ग्रह है, बुध के लिए सोशल रेमेडीज हम आपको बताएं, बुध के लिए बहन की सेवा करो, सिस्टर की सेवा करो, सिस्टर की सेवा करो, या फिर आपको बेटी की सेवा करो, बेटी अगर आपकी है और आपका बुध खराब है, मरकरी खराब है, मरकरी आपको क्या करता है, मरकरी बहुत सारे कई अनेक प्रकार के विघ्न कर देता है, क्योंकि बुध के जो देवता है गणेश है, विघ्न आने लगते हैं कामों में, विघ्न हम लोगों की वाणी खराब हो जाती है, दूसरों से प्रेम बिगड़ जाता है, प्रेम भाव जिनसे प्रेम होता है अच्छे उनसे भी खराब बोलने लग जाते हैं हम लोग, झगड़ा हो जाता है, तो बुध को ठीक करने के लिए बहन को बेटी को, और बहन और बेटी किसी की महात्मा है, कोई बहन बेटी है ही नहीं, सबको छोड़ छाड़ के महात्मा बन गया, तो क्या करना चाहिए उसको, 9 साल से छोटी आयु की कन्याओं की सेवा करें, 9 साल से छोटी कन्याओं को कुछ चाहिए, उनको जरूरत की चीज ऐसा ढूंढे कहीं, किसी बहन को बेटी को कुछ जरूरत हो उससे बुध ठीक हो जाता है। अगर गुरु 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 क्या होता है, जुपिटर, जुपिटर अगर नीचे नीचे स्थान के हैं कुंडली में, कई बार लोग कुंडली बनवाते हैं, कोई कुंडली आपने बनवाई होगी आपके घर में है, नहीं हो तो हम बना देते, तो कुंडली में आप देख लो उस कुंडली में आपका गुरु की क्या पोजीशन है, गुरु नीचे के स्थान में तो नहीं है, तो क्या होता है उससे फिर किसी ब्राह्मण की सेवा करो, अगर गुरु नीचे स्थान में है ब्राह्मण की पंडित जी की थोड़ी सेवा करो, ये बिल्कुल सोशल रेमेडीज हैं और ऐसी हैं जिसको ज्योतिष रेकमेंड करता है, और इसमें ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, केवल देखना है कि गुरु हमारा थोड़ा नीचा है, जब गुरु नीचा होता है तो हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, जब गुरु नीचा होता है तो बड़े बच्चे बात नहीं मानते, हमारे शिष्य जो हम हमसे छोटे लोग हैं वो हमारी बात नहीं मानते, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि गलती हम समझते हैं हमारे बच्चों की गलती है, हम बच्चों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चों की गलती नहीं है, हमारा गुरु खराब है, तो गुरु को ठीक करने के लिए गुरु के पास जाओ, कहाँ जाना है, कोई महात्मा मिल जाए, साधु हो प्रिष्ट हो, साधु महात्मा हो प्रिष्ट हो, आपके आपके पुरोहित हो, पंडित जी हो, कुल पुरोहित हो, पिताजी हो, वृद्ध हो, इन सब की सेवा करने से गुरु का दोष शांत हो जाता है। और आपको बताएं, आप जरा ध्यान देना, शुक्र यदि खराब हो, नवग्रह की बात बता रहा हूं, थोड़ा जानकारी है, बहुत जरूरी भी है आपके लिए, सोशल रेमेडीज हैं, क्योंकि हमें अपने आपस के संबंध हमारे अगर ठीक ऐसे ही हमारा काम बन जाए और बड़ा स्वाभाविक हो जाता है, हम अपने परिवार की सेवा कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, इजी भी है, हम समझते भी हैं कैसे सेवा हमारे परिवार वालों को क्या चाहिए, हम जानते भी हैं, शुक्र के लिए
सीधा है, पत्नी की सेवा करो, पत्नी को प्रसन्न करो। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह खराब होता है तो क्या होता है, शुक्र ग्रह खराब होता है सबसे पहले लग्जूरियस लाइफ प्रॉस्पेरिटी वो बिगाड़ता है। अच्छे अच्छा अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी, अच्छा अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा, अच्छे कपड़े नहीं मिलेंगे, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा। तो अच्छा पैसा चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो पत्नी को खुश रखना, पत्नी को जैसे भी हो सके उसको प्रसन्न रखना, उसको प्रसन्न रखने से उसको प्रॉस्पेरिटी घर में। और हमारी लक्ष्मी है घर की, लक्ष्मी की हम सेवा करेंगे, लक्ष्मी का हम ध्यान रखेंगे उनको, तो घर में लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएंगी, ये प्रॉस्पेरिटी के लिए। और ऐसे ही अगर पत्नी को हो तो पति की सेवा करें, दोनों के लिए है, ऐसा एक ओर से नहीं है। पत्नी को लगता है कि पत्नी का शुक्र नीचा है तो पति की सेवा करें, पति का ध्यान रखें, पति के लिए उनको कैसे जो चीज की आवश्यकता हो। या फिर पत्नी पत्नी की सेवा नहीं कर सकते, कई बार भगवान ऐसा ना करे किसी की पत्नी नहीं भी है तो क्या करें, किसी अन्य असहाय जिस स्त्री को जरूरत है किसी चीज की और हम कर सकते हैं उसके लिए कोई ऐसी सेवा, आर्थिक वस्त्र से अन्न से किसी भी तरह से उनको जॉब दिलवा सकते हैं, कोई भी कुछ काम कर सकते हैं, किसी महिला की सेवा करें तो शुक्र जो नीचा है वो हमारा ठीक हो जाता है। शुभ भावना से, बढ़िया भावना से किसी भी असहाय महिला की सेवा करें, सहायता करें, उनका आशीर्वाद लें। शनि खराब हो तो क्या करना चाहिए, हिंदुस्तान में तो शनि का लिए बढ़िया अच्छा सोशल रेमेडी है, शनि खराब हो तो जो आपके घर में नौकर रहते हैं, इंडिया में तो हमारी गाड़ी भी नौकर चलाते हैं, हमारे घर में नौकरी करने वाली महिलाएं औरत रहती हैं, भोजन बनाने वाली, बर्तन साफ करने वाली, यहाँ थोड़ा सा हम लोग सारा काम अपने आप करते हैं, फिर भी लेबर करने वाले जो जो ऐसे जो लोग हैं उनकी सेवा करने से, मजदूर लोग हैं उनकी सेवा करने से। या एक और उपाय है इसमें, जो अपने पिताजी के बड़े भाई या हमारे पिताजी के बड़े भाई की पत्नी, उसको ताऊ बोलते हैं, ताऊ जी और ताई जी, उनकी सेवा करने से भी शनि ठीक होते हैं, शनि का दोष मिटता है। अच्छा राहु की सेवा, राहु के तो राहु राहु में सोशल रेमेडी क्या है, तो राहु के लिए ससुर जी की सेवा करो, पत्नी के पिताजी की सेवा करने से राहु ठीक होता है। अजीब है ये हमारे साथ ज्योतिष शास्त्र की बात। या फिर माता जी के पिताजी अगर हो, नाना जी हो, नाना जी की सेवा करने से भी राहु ठीक होता है। और भी इसके ऑप्शन हैं, हम आपको बताएंगे। केतु है, केतु में गणेश जी की पूजा तो हमने बताई आपको, लेकिन सोशल रेमेडीज है उसके लिए, लड़के की सेवा करो, अगर आप केतु खराब हो तो बच्चे की सेवा करो, आपका बेटे की सेवा, सेवा माने उसको संतुष्ट करो जैसे भी होता हो, उसको हम देखें जैसे उसको प्रसन्न करें। या बेटा नहीं तो भतीजे की सेवा करें, भाई का बेटा, या फिर 9 साल से कम आयु के बच्चों की सेवा करें। ये मैंने आपको थोड़ी सी कुछ रेमेडीज बताई, तो थोड़ा सा भगवान का स्मरण करेंगे, उसके बाद कुछ और चर्चा करेंगे।